नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस समय हम हैं जौनपुर जिले में। दोस्तों अभी गुजरात में पुल हादसे की आग ठंडी भी नहीं हुई है और जौनपुर में एक पुल जो है दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। कैमरा मैन सर आप दिखाइए जो है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार, देखिए जब पुल एकदम पूरी तरह से जर्जर हो चुका है जो, कृपया आप इसको देख सकते हैं जो है, कृपया इधर भी दिखाइए, आप आपसे कहेंगे कृपया इधर दिखाइए। दोस्तों यह पुल जो है अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यह पुल हिल भी रहा है। जो अभी यहाँ से अगर आप बस जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, फिर कोई ऐसी गाड़ी जा रही है तो यह पुल जो हिल रहा है, तो इससे डर ये लगता है कि पुल कभी भी गिर सकता है, बड़ा हादसा भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जो इस प्रकार पुल की स्थिति जो जर्जर हुई है, इसके जिम्मेदार दोस्तों किसको माना जाए, कौन है दोस्तों इसका जिम्मेदार कौन है जो है? क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों साहिब का दिखाइए जो है, क्योंकि वो पुल जो है सन 1600 से 1800 सन में बना है, जिसको कि 200-400 साल हो गए हैं जो है। दोस्तों वो पुल जस का तस आज भी खड़ा है, लेकिन अगर आप बात करेंगे स्थित पुल तो ये पुल जो है बहुत जल्दी में ज़्यादा दिन उसको बने हुए नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं आप जो है, ये पुल की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी जर्जर है जो है कि आज इसमें कभी भी बड़ा हादसा या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर लेकिन कुछ स्थानीय लोग हैं जो है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा बताइए पुल कब से गड़बड़ है, पुल जो है ढाई महीने से पुल गड़बड़ है जो है? अब किसी पुलिस ने इसकी स्थिति को सही करने की कोशिश नहीं की जो है? अभी नहीं, अभी कोई सोचना ना है, मतलब इसमें दुर्घटनापूर्ण है ये। जी सर बहुत दुर्घटना है, इसमें बहुत जल्दी दुर्घटना घट सकती है और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ऊपर है कितना नीचे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते से स्कूल बसें ज़्यादा होकर गुजरती है, तो बच्चों के लिए ज़्यादा ये हानिकारक रास्ता है। दुर्घटना कभी समय किसी भी समय कुछ भी दुर्घटना सामने आपके दिख रही है, दुर्घटना सामने दिख रही है और इस पर सरकार की किसी की प्रशासन की कोई नज़र नहीं पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आप देख लीजिए कितनी ट्रैफिक लगी है और कितनी 10 बसों में आपको 8 बसें कम से कम स्कूल की बसें मिलेंगी। अभी जैसे अभी जो ट्रक आई तो शायद पुल हिल भी रहा था जो है, इससे मतलब क्या पुल तो देखिए पहले भी हिलता रहता है, भारी भारी ट्रकें यहाँ से जाती हैं क्योंकि ये मेन हाईवे रोड है, तो काफी ज्यादा हिल रहा है इस समय। अभी इस समय तो जर्जर हो गया है, तो बहुत ज्यादा हिल रहा है। अच्छा इसके बारे में क्या कहेंगे भैया, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो पुल बना है करीब 200-300-400 साल पुराना पुल है, तो अभी वो शाही पुल तो बहुत पुराना पुल है, ये तो जल्दी बना है, तो भैया स्थिति का जिम्मेदार कौन है, क्यों ऐसा हो गया जल्दी स्थिति जो है ऐसी क्यों हो गई है? ये क्या बोले भैया, जो ठेकेदारी क्रिया है, जो पुल का ठेका लेता निर्माण करने का टेंडर लेता है, सबसे पहली बात तो उसकी हाँ बिल्कुल कुछ न कुछ इसमें कटौती की गई है, अपने कामों के लिए बचत किया गया है और इससे कई जिंदगियों को जोखिम में डालकर इन्होंने ये काम किया है, तो क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। और बिल्कुल देख लीजिए एकदम जर्जर हो गया है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। यही हुआ है, बस एक रस्सी बंधी हुई कि लोग उधर न जाएं, अगर भूल से भी किसी की भी गाड़ी, हमारी ही बाइक अगर डाइवर्ट हो गई, उधर से साइड न मिला लग गया, तो हम भी नीचे जा सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं जो नीचे जाएगा तो वो बचेगा नहीं, सीधा ऊपर जाएगा। दोस्तों बहुत ही बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है जो है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अगर आप उधर देखेंगे तो जो भी रेलिंग लगी है आप देख सकते हैं जो है, देखिए सब जो इतने भी वो मतलब रेलिंग लगी है सब में देखिए एक दरार आ गई है जो है, और सभी फट फट के वहाँ से गिर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो है, कृपया हम जो है जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो है, कृपया उनसे रोज यही करेंगे, या तो यहाँ से जो भी ट्रक या जो भी बस जा रही है उसको तुरंत जो है रोका जाए, वरना दोस्तों जिस प्रकार से इस पुल पे पुल हिल रहा है जो है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की बड़ी अनहोनी हो सकती है दोस्तों जो है। क्या भैया क्या कर जाते हैं, क्या दूसरा रास्ता दीजिए, नहीं तो कुछ भी मतलब बड़ी बड़ी जो ट्रक वर्क जा रही है इससे तो बड़ा घटना हो सकती है ना। 18 चक्का उक्का बंद कर दिए इसको, नहीं तो आपका बहुत हो चुका है, क्योंकि थोड़ा इधर से आप आइए जो है, तो थोड़ा दिखाइए तो कहो भैया ये छोटू तू तो यहीं रहा वाला जाना है, ये बतावा बताई पुलवा जानो कब से गड़बड़वा जानो ये पुलवा बोल भाई। अरे बता रहे कब से गड़बड़ भैया, 4-5 दिन से तो भैया बताओ 3 महीना से गड़बड़ हो? हाँ 3 महीने मतलब 4-5 दिन टूटा हुआ है इसको। अच्छा अच्छा ये बतावा गौरव मतलब डर ना लगा थप्पड़ जाना कि वो गिर उड़ जाए? और डर लगता है, जैसे लगता है हिलता है डर लगता है कहीं गिर ना जाए, हम लोग को खतरा ना आ जाए, खतरा आ जाए जो है। दोस्तों ये बड़ा खतरा है जो है, देखा जाए तो अभी जितने भी बड़ी गाड़ियां इस पे जाती हैं, जो भी ट्रक बस जा रही है जो है, तो उससे बड़ा खतरा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो वहाँ पर खड़े थे जो है, जो भी ट्रक और बस आप देख सकते हैं जो, देखिए इस प्रकार देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं यहाँ पर जो है। देखिए दोस्तों पुल में एक हलचल महसूस हो रही है हमको जो है, तो एक बैठकी लगी हुई है इस पर, देखिए दोस्तों कोई पुलिसकर्मी नहीं है। दोस्तों कृपया इस पर ध्यान दिया जाए, कृपया आप कैमरा संभाल चलाइए जो है, इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर जो है कोई पुलिसकर्मी नहीं है और आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कोई भी पुलिसकर्मी या कोई ऐसा जो है देखने को आपको नहीं मिलेगा जो है। हाँ कोई होमगार्ड आपको शायद
शायद जो अगले छोर पर जो है शायद एक आखिर बैठा दिखाई दे सकते हैं, वो भी बस नाम के लिए बैठे हैं, उस पर कोई कार्रवाई किसी प्रकार की जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि किस प्रकार के वाहन अंदर एंट्री कर रहे हैं, किस प्रकार के वाहन अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जो है। दोस्तों इस पुल को इसके पहले भी कई मीडियाकर्मियों ने कवर किया जो है और इसको दिखाने का प्रयास किया ताकि एक बड़ी अनहोनी या बड़ी दुर्घटना होने से रुका जा सके दोस्तों जो है। तो भैया ये बतावा ये पुलवा तो हिले तो बहुत जोर जोर से गिर ना सके जन का करब भाई खत्म कहानी हो गई एकदम जर्जर हो गई जम पकड़ था भैया अब का करा जाए हम बचन हम चंद एक गरीब आदमी है डर ना लगा तो मान लगा गिर फिर जाए तब बात तो सही कह था लेकिन हम चाहे गरीब आदमी है का करा जाए मजबूर मना ही तुमने करा चाहिए पर जो रुको का जी का मतलब काहे आवत डर ना लगा तो गिर जाता है अब डर लगा था लेकिन का करा जाए पेटे के लिए करा जाता लेकिन ऐसा सरकार बात है ये वो भाई कह रहे ना हां चलिए भाई लेकिन एक ध्यान दे काहे पुल बड़ा खतरनाक स्थिति में आ गेलो जंप करो तो। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से भारी वाहन जा रहे हैं दोस्तों, हालांकि गलती इनकी भी नहीं है, कारण इसका ये है कि मतलब यहाँ पर भी बहुत से ड्राइवरों को ये भी नहीं पता, जैसे जो बहुत दूर के ड्राइवर हैं उनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर पुल जर्जर या कैसी स्थिति में है। हालांकि जहाँ तहाँ बोर्ड भी लगा है लेकिन कोई सुरक्षाकर्मी या कोई ऐसा गार्ड जो कि ऐसे वाहनों को डाइवर्ट करें या किसी और रूट पर ट्रांसफर करें। जो तो देखिए यहाँ पर हम लोग गुजर रहे थे जो है, तो ये जो पुल है ये पुल जो है जैसे चौराहा और सिपाह के बीच में पड़ता है जिसे सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो भैया ये बतावा तू यहीं रहा वाला है कि तू लंबे कहे है यही रहे वाला भैया वा हमार घर वा बड़का देखा तू वहीं आला है अच्छा वहरा घर हां बतावा भैया अगर मतलब कि कुछ मतलब है कब से ही गड़बड़ चल रही है पुलवा जाना कब से गड़बड़ है बहुत दिन से मैंने हां मैंने ना सर बिल्कुल कोई यहां बैठा उठा नहीं मतलब देखा बिना बचाव बिना वाला कुछ नहीं कोई बचा नहीं करते बस वहां रहते कौन तो कोई मतलब नहीं पुलवा हिलता वो पुलवा ना बहुत ज्यादा हिलता है अभी भी से भी गाड़ी जा रही है हिल रहा है पुल जोर से ना हां अच्छा ये बस एक चीज हमको चाहिए बताइए जैसे कि जो शाही पुलवा है वो तो हम कल कई सौ साल का हो जाना हाँ वो नहीं टूटा उतना सही सलामत भाई कैसे कहे वही तो इसको पता ही नहीं चला कैसे टूटा है ये और कैसे हुआ इसको बहुत सोचा वाली बात है कि शाही पुल तो बहुत सौ साल से वो ऐसा ही खड़ा है बाजार अरे वो तो बहुत दिन से है हमारे बचपन से देख रहा हूँ तब से अरे ये सब अभी जल्दी बना है 15-20 साल भर हुई हाँ और का मतलब इतना में कंडीशन खत्म खत्म देखो हिल रहा है कि नहीं पहले जमाने में तो मतलब लोग जो ना होके मतलब बहुत मेहनत से बनाते हैं इंजीनियर भी उतना बढ़िया ना रहे हैं इतना है भाई बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े ठेकेदार एक से एक ढलैया मशीन लगा लगा ढलैया करें जो ना तब तो कहा एकदम जल्द देखा पूरा फट गया जहाँ तहाँ जो फट गया हर एक जगह फटा है क्या कारण कैसा कहा अब यहाँ सब जो है विधायक विधायक जो है हिल रहा भाई हिल रहा तभी तो कर हुआ है सर तुरंत जो है मतलब देखा तो जो भी ट्रक बस उसको तुरंत रुकना चाहिए इसको बंद कर देना चाहिए तो भैया डर ना लगा था पुलवा गिर गई था डर लगा था भाई डर लगा था तबो जान तक था परत के डोंटे का कर रहे भैया आप यहां पे दिखाइए देखिए कैसे देखिए अभी आप एक स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे अगर एक प्रकार से पुराने जमाने के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे देखिए पूरा फट गया है दिखाइए आप तो देखिए पूरा फट गया है पूरी जो दरारें आ गई है जो है तो ये तो मतलब मर्जी बॉर्डर है लेकिन जो जो मेन जो जो दुर्घटना जो चीज़ें हुई हैं या जो भी फट गया है जो है वो तो मेन पुल ही फट गया है तो उस पर डर है क्योंकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा हिलाव हिल भी रहा है पुल जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डर भी है कि कुछ भी घटना हो सकती है या कोई भी दिक्कतें सामने आ सकती हैं जो है। हाँ दोस्तों तो देख सकते हैं एक जो है यहाँ पे बस वाले मिल गए कहो भैया ये पुलवा गिर सका जो है डर डर क्या लगे भाई साहब अरे पूरा पुलवा तो हिले तो बाजा ना मतलब कब अब अगर मान ला गिर से गया घटना बड़ी मिल बाबा डर डाला तो है अब उसको कौन जाता कब क्या होगा जो बना तुरंत इस रोड को जो है बंद करवा के बड़ी वाहनों के लिए इसको रुकना चाहिए ना बंद करके रिपेयरिंग करें इसकी व्यवस्था करें ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है तो कोई और रूट नहीं है यहाँ से वहाँ जाने के लिए नहीं रूट तो होगा लेकिन शहर चेंज करना पड़ेगा जी हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने बस को भी रुकवाया और देखा जो है तो यहाँ पर कोई ऐसा एडवाइजरी जारी नहीं हुआ है कि सरकार द्वारा इसको रुकवाया जाए या फिर कोई ऐसी मतलब सरकार द्वारा या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी यहाँ पर हैं तो उनके द्वारा कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है मतलब गिर गया कुछ खो गया बताओ क्या जिम्मेदार कर हुई है जिम्मेदार हुई भैया और क्या बात कहाँ करा वाला है हम तो यही क्यों कहला यही कहते हैं नाम बता तो नाम बता थोड़ा सा हमारा रामोतार नाम है हमारा घर पर किराका क्षेत्र कब से गड़बड़ा कब से ही मतलब जर्जर हुई कब से गड़बड़ा रहा अरे 5-6 महीना हो गया सर 5-6 महीना हो गया हाँ क्या हिला था जोर जोर से कर रहे हैं उधर हिल अच्छा ये बताओ हम ऐसे कि अभी शाही पुल से बहुत पुराना पुल हो जाना पहले ही बना लाल वो तो आज तक ऐसा कैसा खड़ा हो हाँ तो ये कहाँ हिला लगल ये कहाँ जर्जर हुई भाई अब बेकार कंट्राक्ट ही जाने कहाँ हिलल और क्या कॉन्ट्रैक्ट लेवल जाना और क्या ठेकेदार मतलब बिल्कुल का कहा के बारे में जाना अब का कहा जाए हाँ अब के भाई कौन बता जा आज चल सर दुनिया चोरी खाए वाली है ये चाहना कि नहीं
खाली जैसे कि ऊपर से जोन भी भारी वाहन जैसे कि आपका ट्रक जाता बस जाता ओके तुरंत रुकवाओ चाहिए ना। हाँ तो कहाँ इतना करते कहाँ रुकावत ना माला गिर जाता। अब भाई अब सरकार जाने हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं। सही बात है, इस पर जो है भारी वाहन के साथ साथ देख सकते हैं ट्रक के साथ साथ बस भी जा रही है, स्कूली बस भी जा रही है। तो दोस्तों देखा जाएगा तो ये बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि दोस्तों स्कूली बस में बहुत से मासूम बच्चे बैठे होते हैं जो कि एक बहुत बड़े बेहतर भविष्य को सजा कर जो है स्कूल के लिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे स्टूडेंट भी अभी जा रहे थे भैया रोके हैं जो है, कहो भैया ये बतावा जो ना जैसे कि अभी काफ़ी जर्जर हुई है ना गिर जी, तो क्या कर बताओ। हाँ पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ, मैं तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर में पढ़ता हूँ, मैं एमएड का छात्र हूँ। और ये जो पुल है ये 10 दिनों से लगभग यहाँ पर जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप गाड़ी जब जाती है कितना हिल रहा है ये पुल, और ये कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और ये स्कूली बच्चों के लिए ही नहीं सभी के लिए खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आजमगढ़ के लिए जाते हैं यहाँ पर हाईवे मिलता है आगे जाकर, यहाँ पर हमेशा 24 घंटा ये यातायात की सुविधा होती है। यहाँ पर कोई और अलग रास्ता नहीं है जौनपुर से, अगर यहाँ से आप निकलना कहीं और चाहते हैं। ये बगल में पुल बन रहा है आप दिखाइए उधर पहले साहब, देखिए वो बन रहा है जो बीच वाला वहाँ पर पुल है, बीच वाला सर दौना पुल है, फिर शाही पुल उधर है। अच्छा। वहाँ पर बड़ी गाड़ियों का आवागमन नहीं होता है, जौनपुर में सिर्फ इसी पुल से यहाँ पर जो आप कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर इसी पुल से ही किया जाता है, यही पुल से कि बड़ी बड़े वाहन जो इसी से गुजरते हैं। बस जी। अच्छा अच्छा एक चीज़ बताइए जो है, जैसे कि अभी जो शाही पुल की बात करें तो वो 200-400 साल पुराना पुल वो है जो है। जी तो अभी भी सही सलामत अभी है, तो ये मतलब पुलवा जल्दी क्यों घबरा रहा है जो है। अब यहाँ पर देखिए किस तकनीकी से इसे बनाया गया होगा उस पर निर्भर करता है। अब उस पर तो बड़े वाहन को रोक दिया गया बहुत सालों से, हमें लगता है 20-25 सालों से रोक दिया गया है। हाँ जी अभी उतना ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन जो स्थिति इसकी बनी हुई है आप देखिए यहाँ पर पूरा ये देखिए पूरा जर्जर हो चुका है हर जगह। और यहाँ पर जब गाड़ियाँ जाती हैं तो ये पुल पूरी तरह हिल रहा है। यहाँ पर देखिए आगे एकदम पूरा खराब हो चुका है, एकदम कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर भी, कुछ भी हो सकता है। जी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है जो है, और ये सवाल किससे पूछा जाए, बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी जो भी DMSP जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो है, कृपया इस पर तत्काल कार्रवाई करने के प्रयास किया जाए, और जितने भी भारी वाहन उसको तत्काल रोकने का या किसी भी प्रकार से डावट करने का प्रयास किया जाए। हालांकि दोस्तों ये बता रहे हैं भैया कि ये शायद मुख्य मार्ग है शायद ये, मतलब जो बड़ी वाहनों का प्रवेश के लिए, लेकिन फिर भी आप जो है मुख्य मार्ग का हवाला देकर जो है किसी की जिंदगी सड़क खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं जो है। जैसे क्या होता है यहाँ पर जो यहाँ पर आजमगढ़ मार्ग जो हाईवे है मिला हुआ है, इसके बाद अगर आप आजमगढ़ से लखनऊ जाते हैं या इसके बाद बनारस के लिए जाते हैं इसी रूट से आपको जाना पड़ेगा, महानगरों में जाने के लिए लखनऊ या फिर इसके बाद बनारस के लिए आपको इसी मार्ग से, अगर ये मार्ग बंद हो जाएगा तो आप यहाँ से नहीं जा सकते किसी बड़े वाहन से। तो दोस्तों इस पर जो है विचार करना चाहिए, कोई ना कोई उपाय से निकलना ही पड़ेगा जो है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से हाथ पे हाथ रखे बैठा है बैठ के नहीं रह सकते हैं जो है। तो कहो अच्छा ये बताइए जो है, ये तो मतलब बहुत बड़ा खतरा घंटी है सामने जो है। मैं प्रिंसिपल शिया डिग्री कॉलेज से बोल रहा हूँ जौनपुर में। जी ये काफ़ी दिनों से पुल जर्जर है जी सर, लेकिन इसे कोई देखभाल नहीं करने वाला है। और ये हाईवे है, मेन हाईवे है, अब पुराना हाईवे है सर, हिल भी रहा है काफी, हिल भी रहा है, ये वाइब्रेट भी करता है मौके पर, आप देख रहे हैं मौके पर अभी हाँ वाइब्रेट कर रहा है, इसमें कुछ कमियाँ उसको दूर कर, ये टूटा हुआ बहुत दिन से है, मैं बराबर देखता हूँ इसको, लेकिन कोई संज्ञान में इसको ले नहीं रहा है। जी हाँ अब कोई बड़ा हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगी, कौन होगा, बड़ा सवाल है जो है। और जैसे कि अभी मान लीजिए छोटी वाहन जा रहे हैं वो तो मंजूर है जी, लेकिन भारी वाहन जा रहे हैं जितने भी आजमगढ़ गोरखपुर इलाहाबाद सब इसी जाते हैं, ये रोड है एक ही इसी पुल जाते हैं आजमगढ़ में, कोई भी इवेंट हो सकती है यहाँ पर। देखा जाए तो स्कूली बच्चे जो कि बस वगैरह जा रहे हैं तो बहुत बड़ा खतरा है, बस जाते हैं सेंट पैट्रिक है, PD कॉलेज है, सब बच्चे जाते हैं, पूरी बस जाती है, मतलब बड़ा खतरा है। इसके लिए मेन प्रॉब्लम ये कि सबसे बड़ा हाईवे ये आजमगढ़ गोरखपुर इलाहाबाद सब इसी जाती है, बस वगैरह यात्रियों से भरी बस ओवरलोड ट्रक सभी जाते हैं जाते हैं। तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए प्रशासन को, इसको बनवाना तत्काल, इसको देखना चाहिए तरीके से, तत्काल प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए जो है, और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत बड़ी वाहनों का तुरंत प्रवेश रोकना चाहिए और इस पर तुरंत देखना चाहिए। दोस्तों ये जो है एनी टाइम एनी समय कुछ भी कहीं भी हो सकता है यहाँ पर जो है, समस्या यह है। देखिए आप दिखाइए, कृपया दिखाइए जो है, देखिए यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ये पत्थर आप देखेंगे, देखिए नीचे इधर दिखाइए, देखिए डैमेज मतलब ये पलट सकता है, ये एनी टाइम पलट सकता है, कि कोई इसके समय नहीं, सीमा निश्चित नहीं है। तो कहो भैया तो हिल भी रहा है जो है। जी हिल रहा है, मतलब जैसे कोई ये तो जंप काफी ज्यादा, मतलब हम भी हिल जा रहा है ऐसा। हाँ जंप कर रहा है थोड़ा, यहाँ पे आने जाने में थोड़ा हमको डर लग रहा है, यहाँ खड़े होने में भी डर हमको लग रहा है यार कहीं गिर ना जाए, कंपायमान हो रहा है। हाँ।
डर है, मान लीजिए गिर गया भैया तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जो समस्या वही तो समस्या तो है। हाँ भैया क्या कर रहे हैं भैया, डर हो गया ना लगा तुम्हारा? रोड टूटा है बनवा दो। जंपो करता भैया, टूटना हो जंप भी करता हो। अच्छा सरकार है ना भाई, भाजपा सरकार है सब। तो यहाँ तो आम आदमी जितना खिलवाड़ तो हो रहा है, माननीय पूर्व सांसद जी बनवाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी जर्जर स्थिति है जो है, यहाँ पर किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है जो है। दूसरी बात जो यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात भी नहीं है, आपका भी तैनात नहीं, कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं ना, अभी कुछ दिन पहले गुजरात में जो झूला पुल गिरा है ना, कितने लोग मर गए बेचारे, निर्दोष आदमी मर रहे हैं। प्रशासन की सिर्फ गलती है, वही यहाँ पर भी न्योता मिल रहा है गिरने के लिए, मतलब बड़े वाहन फिर स्कूली बस या फिर स्कूल रोडवेज जो बसें जाती हैं अनेक मार्गों पर, राष्ट्रीय मार्गों पर यहाँ पर जाती हैं, वही न्योता मिल रहा है यहाँ पर आपको गिरने के लिए। कोई भी दुर्घटना हो सकती है, रात की आग भी ठंडी नहीं हुई तो यहाँ पर भी भड़कने की कोशिश कर रही है जो है। तो भैया ये बताओ डर ना लगा जो ना पुलवा हिल सका जो ना? अरे बहुत डर लग रहा है, ये पुल कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, ये चाहे अब गिर सकता है। और ये बहुत दिन से प्रशासन इसको इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। सही बात है, कोई सुरक्षाकर्मी तैनात भी नहीं है, हमको दिख रहा है यहाँ पर जो है। ये पुल चाहे जब गिर सकता है, इसको जो है कि सावधानी में रखना चाहिए, रखना चाहिए इसको जो है। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, सरकार को। स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं, हम इंटर पढ़ते हैं, हम यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। ये पुल पहले लटक गया था, तो ये तीन चार दिन बाद जब एकदम लटक गया, तब जाकर प्रशासन की तरफ से घेराबंदी किया गया, इसको थोड़ा सही किए हैं।